हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू मीनाक्षी क्रिएटिव ब्लॉग। और आज आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक। और जो है डेली रूटीन का जितना भी सारा वर्क होता है, डेली बेसिस का जितना वर्क होता है, वो मेरा सारा हो गया है और अब मैं हो गई हूँ स्कूल के लिए रेडी अपनी वही ग्रीन साड़ी ब्लैक स्वेटर के साथ। और ब्लैक स्टॉल में कोई भी डाल जाती हूँ, वैसे ब्लैक भी है बट मैं कोई भी डाल जाती हूँ। तो मैं जा रही हूँ स्कूल, दक्ष भी रेडी हो गया है, ट्यूशन से आ गया है, नाश्ता वगैरह उसने कर लिया था। तो मैंने सोचा अपने ब्लॉग की यहीं पे स्टार्टिंग कर देती हूँ। बता देती हूँ आपको कि मैं फिलहाल जा रही हूँ स्कूल, आके आप लोगों से मिलूंगी। तो सारे चलो घर के लॉक वगैरह बंद कर देती हूँ, फिर जितनी भी ब्लॉगिंग करूंगी मैं स्कूल से आने के बाद करूंगी। और दक्ष कर रहा है अपने बाल वाल सेट, ये जब तक जाएगा ये मिरर के आगे खड़ा हुआ अपने बाल सेट ही कर जाएगा। दक्ष ये बंद करो भैया, आओ चैनल बंद करो बेटे। कहाँ है बंद? अच्छा बिल्कुल मिला देते बेटे से। इधर वाला भी डोर बंद करो, इसका लॉक लगा दे बेटा। तो सारे पता है जब घर में कोई नहीं होता है ना तो लॉक लगा के जाना पड़ता है, तो ये बड़ा डिफिकल्ट काम लगता है। दक्ष लो लगा देना मेरे हाथ में फोन भैया। तो सारे लॉक बंद करके जाना पड़ता है, वही है कि चाबी सब हम तीनों को पता होती है कि कहाँ रखी है, तो फिर कोई भी हम तीनों में से पहले आता है तो दिक्कत होती नहीं है। तो सारे डोर वगैरह बंद करने पड़ते हैं। तो धूप आज भी काफी अच्छी है, तो धूप आज भी काफी अच्छी निकली है, मतलब अब तो रोज ही निकल रही है, बट स्कूल में जाके थोड़ी सी ठंड लगती है क्योंकि अंदर क्लासेस में धूप नहीं मिल पाती। तो सच्ची मैं दो, आपको दिख रहा होगा ही, मैं दो स्वेटर पहन के जा रही हूं और मेरे शायद से मुझे अभी लग रहा है कि दो स्वेटर अभी पहने ही जाएंगे मेरे। तो सारे घर के लॉक कर दिए बंद, अब जा रहे हैं हम स्कूल, आके मिलती हूं आप लोगों से। तो जब तक के लिए बने रहिएगा व्लॉग में। अब मैं जल्दी स्कूल के लिए और झटपट वही जल्दी जाके बस पकड़नी पड़ी बिकॉज लेट ही हो जाता है और थोड़ा सा स्कूल हो गया है जल्दी का, तो बड़ा मैनेज करना पड़ रहा है काम क्योंकि 5-10 मिनट्स इधर उधर हो जाते हैं ना, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो सारा निपटाने के बाद स्कूल पहुंच गई थी और स्कूल से आने के बाद अब मैं बैठी हूँ अभी काविंदर जी के पास और ये मुझे कुछ फ़ोन में यहाँ पर दिखा रहे थे, कोई रील थी तो उसको दिखा रहे थे, बड़ी एकदम मतलब सीरियस सीरियल थी तो उसको मैं बड़े ध्यान से देख रही थी। और यहाँ पर मेरी चाय भी रखी थी तो मैं साथ के साथ चाय पी रही थी और उन्होंने मना कर दिया था चाय के लिए तो फिर मैं अपने ही लिए लेकर आई थी। और खाना मैंने खा लिया था और ये सब गए थे आज एक फंक्शन में, काविंदर जी और दक्ष एक फंक्शन में गए थे तो इन्होंने आज खाना दोपहर का नहीं खाया है यहाँ पे। और मैंने सुबह बना लिए थे, पूरी बना ली थी और सब्जी बना ली थी, तो वो नाश्ते का काम भी कर गई और मैंने आकर भी वही खा लिया था। और फिर उसको खाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, ये जो मैंने दूध था एक्स्ट्रा वो निकाल के रखा मैंने और यहाँ पर अपनी किचन साफ करी, वही चाय वगैरह के जो बर्तन थे उसको क्लियर किया मैंने। और पता है स्कूल से आने के बाद जो होता ना, यही थोड़ा बहुत क्लीनिंग का थोड़ा बहुत मैं अपना फोन का वर्क करती हूँ, थोड़ा एडिटिंग वगैरह, जैसे भी मेरे से एडिटिंग आती है, इतनी अच्छी वाली तो एडिटिंग नहीं आती है, तो मैं इसमें अपना वर्क करती हूँ। फिर उसके बाद से थोड़ा दक्ष को भी देखना पड़ता है, उसका होमवर्क वगैरह कराती हूँ और उसको थोड़ा लर्निंग वर्क कराती हूँ क्योंकि उसको हैबिट हो गई है, जब तक मैं उसको एक्सप्लेन ना करूँ ना तो उसको चीज़ें समझ नहीं आती हैं, तो उसको एक्सप्लेन करने के बाद जो है फिर मैं अपना भी थोड़ा बहुत सा कुछ देख लेती हूँ और फिर शाम हो ही जाती है, फिर वही शाम का खाना। तो मोस्टली मेरा बस यही होता है, तीन रूम में जाना होता है मेरा, बेडरूम में और किचन में और स्टोर रूम में, और कभी वीडियो शूट करनी पड़ती है तो फोर्थ रूम में, बस ये मेरा सारा है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि मैं ऊपर घर में आ जाती हूँ और स्कूल के टाइम ही बाहर जाती हूँ, स्कूल से आकर ही अंदर आ जाती हूँ, मतलब बाहर का मुझे कुछ पता ही नहीं चलता है, मैं जा ही नहीं पाती हूँ कहीं पर भी। तो यहाँ पर मेरा ये काम फिनिश हो गया तो फिर उसके बाद जो है मैंने थोड़ी सी आज सोचा कि डस्टिंग भी कर लेती हूँ, तो मैं सबसे पहले जो है यहाँ से निकलकर अपना लेके अपना कपड़ा सारे में और बस डस्टिंग करने के लिए निकल गई थी। तो सारे में पता है सुबह सुबह इतनी क्लीनिंग नहीं हो पाती है, वही हो पाता है झाड़ू पोछा जो सामान होता है उसको रखने का, तो ये जो डीप क्लीनिंग होती है तो ये बाद में ही करनी पड़ती है। तो ये मैंने कपड़ा हल्का सा भिगो लिया था और सारी अलमारी वगैरह पर मारना शुरू कर दिया था। कितना भी घर बंद हो, वैसे हमारा घर बंद है और गाँव सब में भी सारी रोड जो है आजकल पक्की होती है, पर फिर भी पता नहीं कहाँ से इतनी डस्ट आती है। तो जैसे कि मैं आप लोगों से बता दूं, आज दक्ष स्कूल नहीं गया था तो घर की हालत कर दी थी बहुत ज़्यादा ख़राब, तो उसको ही समेट रही हूँ थोड़ा समय। तो अभी मैं इस कमरे की क्लीनिंग करती हूँ थोड़ी सी, मतलब हाँ बेटे पैसे फटा हुआ तो बेटा देख के लेके जाते, देखियो कितने का ले गए थे, 50 रुपीज़।
दक्ष गया था दुकान पे और ये हाफ हुआ रखा था, ये मुझसे ही फट गए थे। बेटा मेरे पर्स से लिए थे क्या? दूसरा ले जाओ। तो वो हाफ पीस इसने सोचा कि बंद होगा, वो उठा के ले गया। इसी में देखो 10 रुपीज भी होंगे बेटे। नाउ मेरे स्कूल बैग में है, स्कूल बैग में से ले जाता बेटे, स्कूल बैग में से ले जाता। बाकी के इसी में ला के रख देना भैया। तो थोड़ी सी डीप क्लीनिंग तो मैंने वहां की तो करी दी है, तो अब मैं थोड़ी सी डस्टिंग कर देती हूँ यहाँ की। और फिर अभी मैं स्कूल से आ गई थी, चाय वगैरह मैंने पी ली है, खाना खाई लिया है मैंने। और दक्ष गया था आज एक फंक्शन में अपने पापा के साथ, तो सिर्फ आज मैंने अपने लिए खाना बनाया था थोड़ा सा ही, कि आके दोपहर को खा लूंगी और शाम को बनेगा ही। तो मैंने चाय वगैरह पी ली अपनी और मुझे और कुछ खाना नहीं है। तो चलिए मैं जरा करती हूँ यहाँ की क्लीनिंग और फिर। और ये जो डस्ट है इसका तो पूछो मत, पता नहीं कहाँ से आ जाती है। रोज़ के हर तीसरे दिन यहाँ पर ये सब करना पड़ता है, कपड़े मारो तो तब भी पूरा एकदम मतलब धूल में हो जाता है। तो ये नहीं समझ में आता पता नहीं कहाँ से आ जाती है। और हमारा घर बिल्कुल बंद है क्योंकि गांव में भी अब आजकल जो है ना पक्की ही सड़कें हैं सारे में, तो पता नहीं फिर भी कहाँ से आती है। सो हाय, जो मुझे डस्टिंग करनी थी वो मैंने निपटा ली है, और जो है अब मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड। पोछा अभी तक यहीं पे रखा है, मतलब पोछे से मतलब जिस कपड़े से सफाई कर रही थी मैं, तो मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। और इन द लास्ट अब मैं यही बोलना चाहूंगी कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक, एंड थोड़ा सा फेस को अवॉइड करना क्योंकि बड़ा ऐसा लग रहा होगा, मुझे खुद को वीक वीक सा लग रहा है। बिकॉज पता है जब 6-7 घंटे वर्किंग के बाद आते हैं ना तो थोड़ा सा स्ट्रेस तो आ ही जाता है, तो उसकी वजह से ऐसा लग रहा है। इन द लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरी वन, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो।